हेलो, नमस्कार। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे शंकर आईएएस बुक की मदद से आपके साथ एनवायरनमेंट का मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं, और अपने इसी डिस्कशन के तहत आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 8 का डिस्कशन। जो चैप्टर नंबर 8 है, ये बेसिकली इंडिया में मौजूद बायोडाइवर्सिटी से डील करता है। हम लोग बायोडाइवर्सिटी से संबंधित अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को यहाँ समझेंगे, और कौन से टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, इस चीज़ को भी देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा आपसे। हमारा एक टेलीग्राम चैनल चलता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से, जो एकदम फ्री है। अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मेरी गुजारिश है, प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने से एक तो सभी अपडेट्स आपको तुरंत प्रभाव में मिल पाएंगी, और साथ ही हम यहाँ पर अपना बहुत सारा स्टडी मटीरियल अपलोड करते हैं, तो इस जगह से आपको वही सब स्टडी मटीरियल फ्रीली एक्सेसिबल हो पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। तो चैप्टर 8 जो है वो हमारा डील करता है भारत में मौजूद बायोडायवर्सिटी से। देखिए, जो हमारा भारत है, इसको एक मेगा डाइवर्स कंट्री के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि इस एरिया में हमको बहुत सारी रिच बायोडायवर्सिटी और उसके साथ एसोसिएटेड ट्रेडिशनल फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं स्पीशी रिचनेस की बात करूँ तो भारत की 7वीं रैंक है मैमल्स की कैटेगरी में, 9वीं रैंक है पक्षियों की कैटेगरी में, और 5वीं रैंक है अगर हम रेप्टाइल्स की कैटेगरी को देखते हैं। कहने को तो भारत का जो पूरा एरिया है वो बहुत कम है, मात्र 2.5% है वो, लेकिन सिर्फ इतने ही लैंड एरिया में हम टोटल 7.8% पूरे विश्व की प्रजातियों को समेटे हुए हैं। तो ये सब फैक्ट्स दिखाते हैं कि भाई बायोडाइवर्सिटी के मामले में इंडिया काफ़ी रिच है। हमने अपने पुराने चैप्टर्स में भी बायोडाइवर्सिटी की बात की थी, और ये पॉइंट समझा था कि भारत में कितनी अधिक मात्रा में आपको अलग अलग तरीके की वैरायटी देखने को मिलेंगी, डाइवर्सिटी देखने को मिलेंगी। उसी पॉइंट को हम यहाँ पे विस्तार से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा देखिए, विश्व में 34 ग्लोबली आइडेंटिफाइड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में अपने पुराने चैप्टर में पढ़ा था, ऐसे एरिया जो बायोडाइवर्सिटी के पर्स्पेक्टिव से काफ़ी रिच हैं, लेकिन समस्या ये है कि उस एरिया में लगातार बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, वहाँ पे मौजूद हैबिटेट का लॉस हो रहा है। तो ऐसे एरियाज़ को आप कहते हैं बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट, और इनको कंजर्वेशन की यानी कि संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन 34 आइडेंटिफाइड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से भारत में 2 हॉटस्पॉट आपको देखने को मिल सकते हैं। एक है हमारा ईस्टर्न हिमालयाज और दूसरा है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। इसके अलावा हमारे और भी हॉटस्पॉट हैं जिसमें भारत एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन अगर मेजरली भारत में पड़ने वाले हॉटस्पॉट को हम गिनें तो ये 2 मेजर हॉटस्पॉट हैं। पुराने चैप्टर में हमने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, तो मैं समझता हूँ इस कॉन्सेप्ट से आप अभी तक अवगत होंगे। तो हम लोग सीधे चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, भारत जो है ये अपने आप में एक देश है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से ये रिप्रेजेंट करता है। भारत में 2 अलग अलग रेल्म्स देखने को मिलते हैं, 5 यहाँ पे बायोम देखने को मिलेंगे आपको, 10 बायोजोग्राफिक जोन्स देखने को मिलती हैं, और 25 बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस देखने को मिलती हैं। अब बात आती है कि भाई रेल्म होता क्या है। देखिए, जब हम बायोलॉजी के आधार पर यानी कि वहाँ मौजूद बायोडाइवर्सिटी के आधार पर जोग्राफिकली कुछ एरियाज़ को डिवाइड करते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि ये जो एरिया हमने डिवाइड किया है यहाँ पे लगभग सिमिलर ही बायोडाइवर्सिटी आपको मिले, तो इस तरीके के एरिया को आप रेल्म कहते हैं। ये जनरली सिमिलर बायोटा दिखाएगा, वो इसलिए क्योंकि हमने बेसिकली उसको डिवाइड ही उसी आधार पे किया है। और एक रेल्म हो सकता है पूरे कॉन्टिनेंट के बराबर हो, या हो सकता है सब कॉन्टिनेंट का साइज़ का भी हो, यानी वो भारत के साथ कई सारे देश एक साथ कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है एक पर्टिकुलर रेल्म में, तो ये उसका ह्यूज साइज़ भी हो सकता है। और वहीं पे अगर बायोडाइवर्सिटी के आधार पे कोई छोटा एरिया डिवाइड किया जाए तो वो छोटा भी हो सकता है। बेसिकली ये सारे फीचर्स को एक साथ जोड़ देता है, इकट्ठा कर देता है, यूनिफाई कर देता है, जहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ ज्योग्राफी है, फौना यानी कि जो वहाँ पे पशु पक्षी पाए जाते हैं और जो वहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे से सिमिलर दिखेंगे, तो ऐसे ही एरिया को आप कहते हैं रेल्म। अब अगर हम लोग बात करें भारत की, तो भारत में ऐसे 2 रेल्म आपको देखने को मिलेंगे। एक है हिमालयन रीजन का रेल्म, जो बेसिकली पैली आर्कटिक रेल्म का एक हिस्सा है, और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ कॉन्टिनेंट है हमारा, माफ़ कीजिएगा, बाकी बचा हुआ जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा, वो बेसिकली भारत का
दूसरा रेल्म बनाता है, और ये जो है एक जो मलायन रेल्म है उसका एक छोटा सा हिस्सा बनके हमारे सामने आता है। अब अगर हम लोग भारत की पोजीशन देखेंगे तो बायोजोग्राफिकली हम लोग ट्राई जंक्शन के बीच में लाए करते हैं। ट्राई जंक्शन मतलब हमारे तीनों तरफ अलग अलग काइंड ऑफ रेल्म आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम माने कि देखिए ये आपका भारत बना है, तो इस तरफ एक रेल्म मिलेगा आपको, एक ऊपर की तरफ रेल्म मिलेगा और एक इधर का रेल्म मिलेगा। तो बेसिकली जो हमारे लेफ्ट की तरफ मिलेगा, यानी कि आज के टाइम में जहाँ अफ्रीका है, अगर आप उस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा एफ्रो ट्रॉपिकल रेल्म। तो ये वाला आपका हो गया एफ्रो ट्रॉपिकल रेल्म, और इसमें पूरे में एक पर्टिकुलर तरीके की बायोडाइवर्सिटी है जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर फीचर्स शेयर करती हैं। फिर जो ये ऊपर वाला यानी कि भारत के नदर्न साइड में आपको रेल्म देखने को मिलता है, ये रेल्म है पेली आर्कटिक रेल्म, या फिर आप इसको पेलार्कटिक रेल्म भी कह सकते हैं। ये अपने डिफरेंट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करता है। इस पर्टिकुलर एरिया में आपको अलग अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटी मिलेगी जो आपको एफ्रो ट्रॉपिकल में देखने को नहीं मिलेगी। तो एफ्रो ट्रॉपिकल और पेलार्कटिक एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। फिर आती है बारी इस तीसरे रेल्म की। जो ये तीसरा आपके सामने रेल्म आप दिख रहा है, ये है आपका इंडो मलायन रेल्म। ये अपने और अलग कुछ फीचर्स पोजेस करे होगा, यानी कि तीनों में जो है अलग अलग फीचर्स देखने को आपको मिलेंगे। और क्योंकि भारत यहाँ पे लाए करता है ट्राई जंक्शन पे, तो भारत में यूनिक फीचर तीनों के कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। तो भारत यहाँ पे एक बफर जोन की तरह आपको देखने को मिलेगा, और बफर जोन में ये बात आप हमेशा याद रखें, जो उसके आसपास के एरियाज हैं उनकी भी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं। तो इसी वजह से भारत में काफ़ी यूनिक आपको बायोडायवर्सिटी और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मेजर इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से भारत के दो रेल्म बने हैं, वो है एक तो पेलार्कटिक की और इंडो मलायन की। देखिए भारत में जो दो रेल्म हैं उसमें एक तो ये वाला है जो आपका है हिमालयन रेल्म, ये पूरा हिमालयन रीजन का है, और ये ऊपर वाले पेलार्कटिक रेल्म को ही रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा जो बाकी बचा हुआ कॉन्टिनेंट है, यानी सब कॉन्टिनेंट है सॉरी, ये वाला जो है आपका रिप्रेजेंट करता है मलायन रेल्म को, जो हमने यहाँ पे देखा। तो इस तरीके से भारत के मोटे मोटे दो रेल्म बनते हैं। अगर हम विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में हम लोग टोटल 8 टेरेस्ट्रियल बायोजोग्राफिकल रेल्म रिकग्नाइज कर चुके हैं अब तक, जिसमें एक है नियर आर्कटिक रेल्म, एक है पेलार्कटिक रेल्म, एक है अफ्रीको ट्रॉपिकल रेल्म, एक है इंडो मलायन रेल्म, एक है ओशेनिया रेल्म, फिर है ऑस्ट्रेलियन, एक एंटार्क्टिक, और फाइनली नियो ट्रॉपिकल रेल्म। तो बेसिकली इनमें से जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ हैं वो यहाँ पे भारत को सराउंड करते हैं। और जो अगर मैं बोलूँ कि भारत मेजरली कौन कौन से रेल्म को रिप्रेजेंट करता है, तो एक तो है इंडो मलायन और एक है पेलार्कटिक। तो अगर हम लोग बात करें बायोजोग्राफिक रेल्म्स की, तो देखिए हो सकता है ये पूरे इतने बड़े कॉन्टिनेंट के साइज़ का भी हो, या फिर हो सकता है ये छोटे सब कॉन्टिनेंट का साइज़ का हो। लेकिन मेन जो यहाँ पे मुद्दा है वो ये है कि जो इस पूरे एरिया में बायोडायवर्सिटी होगी, वो काफ़ी हद तक जो फीचर शेयर करेंगी वो सिमिलर फीचर ही शेयर करेंगी। तो इसी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके आधार पे हम लोग इन एरियाज़ को छोटे छोटे रेल्स में बांटते हैं। अब अगली बात करते हैं बायोम्स की। बायोम हमने अपने पुराने चैप्टर में भी पढ़ा है, मैं आपको एक बार यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए क्लाइमेटिक पैटर्न्स के आधार पे जब पर्टिकुलरली किसी भी एरिया का वेजिटेशन, वहाँ मौजूद पशु पक्षी और पेड़ पौधों को हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं, तो वो एक बायोम बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने क्लाइमेटिक पैटर्न के आधार पे आपको वेजिटेशन का एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश की है। एक एरिया है जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल है और वहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी मॉडरेट सा रहता है, तो ऐसे एरिया में आपको जनरली एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिलेंगे। तो ये आपका वहाँ पे वेजिटेशन हो गया, और वहाँ पे जो आपकी बायोडाइवर्सिटी होगी वो भी उसी अनुसार चेंज करेगी, जिससे कि ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे क्लाइमेट में वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु अडैप्ट कर लें। फिर हमने यहाँ पे मानी कि थोड़ी कम बारिश हो रही है उसके कंपैरिजन में, तो ऐसे एरिया में जनरली आपको डेसीडियस ट्रीज देखने को मिलेंगे, जो एक पर्टिकुलर सीजन में अपने सभी पत्तों को गिरा देते हैं, जिसके तहत आपको ऐसे एरियाज़ में बेयर ट्रीज देखने को मिलेंगे। फिर एक तीसरा हमने यहाँ पे क्लाइमेट के आधार पे जोन बनाया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं है, यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर है, तो ऐसे एरिया में आपको जो वेजिटेशन देखने को मिलेगा वो ज़रूर है कि यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार ही अडेप्टेड हो।
कम पानी वो एब्जॉर्ब करता हो और कम पानी में सस्टेन कर लेता हो। तो ऐसे एरिया में आपको कैक्टस जैसे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, और इन इनमें भी कुछ अडेप्टेशंस होती हैं, जैसे कि ट्रांसपिरेशन ना हो इसके लिए ये अपनी बड़ी बड़ी पत्तियां ना रख के कांटे रखते हैं। कांटों से काफ़ी हद तक ऐसे एरिया में वाटर का लॉस मिनिमाइज हो जाता है। तो ये कुछ अडेप्टेशन है वहाँ के क्लाइमेट के आधार पे। तो ये जो मैंने रीजन्स बनाए अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक पैटर्न्स, जिसके आधार पे मैंने वहाँ पे वेजिटेशन को, प्लांट को, एनिमल को डिवाइड किया, तो इन रीजन्स को मैं कहता हूँ बायोम्स। भारत में जनरली हमको 5 बायोम देखने को मिलते हैं। एक है ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, दूसरा है ट्रॉपिकल ड्राई या फिर डेसीडियस फॉरेस्ट, इसी का एक हिस्सा है मॉनसून फॉरेस्ट। जनरली नॉर्थ वेस्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो हमको देखने को मिलेंगे डेजर्ट्स। कुछ ऊपर हाइट्स पे आप जाएंगे तो हमको कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और जब एकदम हम किसी पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे आपको एल्पाइन मीडोज देखने को मिलेंगे। और साथ साथ बायोम के आधार पे ये तय किया जाता है कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर एनिमल वहाँ मौजूद वेजिटेशन से और वहाँ मौजूद सॉइल से इंटरेक्ट करेगा। इनके बीच का इंटरेक्शन और उसके सॉइल का इंटरेक्शन, ये सब कुछ बायोम्स के आधार पे ही तय किया जाता है। तो ये बेसिक्स हमने देखे बायोम के। अब हम चलते हैं बायो जोग्राफिक जोन्स के ऊपर। अब अगर मैं बायो जोग्राफिक जोन्स की बात करूँ भारत में, तो टोटल ऐसे 10 जोन हमको देखने को मिलेंगे। ये जोन बेसिकली हमने वहाँ के बायोटा के आधार पे जोग्राफिकली डिवाइड किए हैं, इसीलिए इनको कहा गया बायो जोग्राफिक जोन्स। अब इसमें सबसे पहला जो ये वाला रीजन है, ये बनता है आपका पहला रीजन, यानी कि ट्रांस हिमालयन रीजन। ये बेसिकली एक्सटेंशन है एक तिब्बतन प्लेटू का, प्लस यहाँ पे आपको कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलेंगे जैसे कि लद्दाख, और यहीं पे आपको लाहौल और स्पीति वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में है उसका भी कुछ एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें तो एरिया वाइज 5.7% पूरे भारत का लैंड मास ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। फिर जो दूसरा हमारा जोग्राफिक जोन है वो है हिमालयाज, जिसमें आपका ये वाला एरिया पूरा इंक्लूड होगा, साथ में आपका ये वाला एरिया इंक्लूड होगा। जो ये एरिया है यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटी, वेजिटेशन, दोनों ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अगर एरिया वाइज बात करें तो 7.2% ये यहाँ का भारत का एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। फिर तीसरा बायोजोग्राफिक जोन होगा हमारा, जो तीसरा हमारा बायोजोग्राफिक जोन है वो बनता है डेजर्ट, जो आपका ये वाला एरिया कॉन्स्टिट्यूट करेगा। इसमें यहाँ पे राजस्थान और यहाँ पे गुजरात के कुछ पार्ट्स ये वाला बायोजोग्राफिक जोन कवर करता है। इसी एरिया में आपको अरावली माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, और जैसा कि इसका नाम बताता है ये एरिया सैंडी डेजर्ट का एरिया है। लैंडमास के कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो 6.9% ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया ये कवर करता है। फिर चौथा आता है हमारा सेमी एरिड जोन। सेमी एरिड यहाँ पे बारिश की कमी की वजह से इसको बोला जाता है। देखिए जहाँ पे बारिश एकदम न्यूनतम हो रही है, एकदम मिनिमम हो रही है, या इनफैक्ट नहीं हो रही, तो वो तो आपका बन गया डेजर्ट। अब इससे थोड़ी सी मात्रा में ज़्यादा बारिश कहीं हो रही है तो वो आपका बनेगा सेमी एरिड, यानी कि वहाँ पे कुछ तो एरिडिटी मौजूद है, तो कुछ तो फीचर्स ऑफ डेजर्ट है वहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी बारिश हो जा रही है इसीलिए सेमी एरिड है। तो इस ये जो एरिया है इसके एक तरफ तो आप देखेंगे यहाँ पे डेजर्ट्स हैं, और दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको डेक्कन प्लेटू देखने को मिलेगा। तो ये जो हो है ये आपका हो गया डेक्कन प्लेटू। तो इसके दोनों के बीच का एरिया ये हम कहते हैं सेमी एरिड। और ये अगर परसेंटेज वाइज बताऊँ मैं तो 15.6% भारत के एरिया को यही कंट्रीब्यूट करता है। फिर जो पांचवा बायो जोग्राफिक जोन है हमारा वो हो गया ये वाला, यानी कि वेस्टर्न घाट्स का एरिया। बेसिकली ये एरिया जो है ये तप्ते रिवर के साउथ में चल रहा है, और ये जो एरिया है क्योंकि वेजिटेशन में बहुत रिच है, इस वजह से आपको यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो ये जो है ये इंडिया का 5.8% ऑफ द लैंड मास कंट्रीब्यूट करता है। फिर आता है डेक्कन पेनिनसुला या फिर डेक्कन प्लेट्यू, जो ये वाला पूरा एरिया आएगा। ये जो एरिया है ये यहाँ पे लार्जेस्ट जोन है पूरे भारत में, यानी भारत में जितने भी बायो जोग्राफिक जोन्स हैं तो इन 10ों के 10 में सबसे लार्जेस्ट जो है वो आपका आएगा डेक्कन पेनिनसुला। और जो इसमें वेजिटेशन है वो आपको मेजरली देखने को मिलेगी यहाँ पे डेसीडियस। तो ये है डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। फिर उसके बाद हम चलते हैं सातवें एरिया पे, जो कि है गैंजेटिक प्लेन्स। जो ये पूरा गंगा रिवर का एरिया है ये आपका इंक्लूड होगा गैंजेटिक प्लेन्स में।
ये काफ़ी हद तक जो एरिया है वो होमोजीनियस है, यानी कि यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग फीचर देखने को नहीं मिलते, और ये बहुत फर्टाइल एरिया है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा एरिया है, और कंट्री का 11% जो लैंड मास है वो यही कॉन्स्टिट्यूट करता है। फिर आठवां हो गया हमारा कोस्टल एरियाज़। ये बेसिकली ये जो कोस्ट हैं, ईस्टर्न कोस्ट इधर वाला और उधर वाला वेस्टर्न कोस्ट, इन दोनों कोस्ट को मिला के जो एरिया आता है वो आता है आपका आठवां बायोजोग्राफिक जोन। और इनफैक्ट इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं हमारे, वो भी इसी बायोजोग्राफिक जोन के अंदर कंसिडर करते हैं। उसके बाद आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया, जो कि ये पूरा एरिया है, ये रेन के पर्सपेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी मज़बूत है, और उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी अलग अलग टाइप के आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी। बायोडायवर्सिटी में भी ये एरिया बहुत रिच है। फिर आता है हमारा लास्ट, यानी कि आइलैंड्स। आइलैंड में जनरली हम लोग अंडमान निकोबार को इंक्लूड करते हैं। फिर से मैं दोहरा दूं कि हमको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लक्षद्वीप है उसको हम लोग यहाँ पे आइलैंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते, हम लोग उसको कंसिडर करते हैं कोस्टल बायोजोग्राफिकल जोन के अंदर। लेकिन अंडमान एंड निकोबार है वो सेपरेटली यहाँ पे आइलैंड्स में कंसिडर किया जाएगा। इस एरिया में जो भी बायोम्स बनेंगे वो काफ़ी डाइवर्स होंगे, और यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी वो भी बहुत रिच होगी। लेकिन एरिया वाइज ये बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करते हैं भारत में, और अगर इंडियन लैंड मास के कंपैरिजन में इनको रखूँ तो सिर्फ 0.03% ही ये एरिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो बेसिकली ये देखे आपने भारत के 10 बायोजोग्राफिक जोन्स। अगर हम बात करें तो बायोजोग्राफी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जनरली इसकी दो ब्रांचेस निकल के सामने आती हैं। एक है फाइटोजोग्राफी, यानी कि फाइटो मतलब प्लांट, तो प्लांट से संबंधित जो भी ज्योग्राफी है उसको आप कहते हैं फाइटोजोग्राफी, और एनिमल से संबंधित उनके माइग्रेशन, उनके डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो भी ज्योग्राफी है उसको आप यहाँ पे कहते हैं जू ज्योग्राफी। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है बायोजोग्राफी में आती हैं। देखिए आई कैसे, बायो का बेसिकली मतलब होता है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग में एक तरफ तो लिविंग में प्लांट्स रखेंगे आप, और दूसरी तरफ जो भी एनिमल्स हैं वो लिविंग में आएंगे। तो इसीलिए हमारी दो ही ब्रांचेज हो जाती हैं, प्लांट वाली हो गई फाइटो और आपकी एनिमल्स वाली हो गई जू। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस। भारत बेसिकली 25 बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस में डिवाइडेड है। अब होता क्या है, बायोजोग्राफिक प्रोविंस क्या है, हम जब रेल्म्स को अकॉर्डिंग टू देयर बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोटा के अनुसार डिवाइड करते हैं तो वो आपके छोटे छोटे प्रोविंसेस में निकल के सामने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा यूपी तो पूरा स्टेट है, उसमें छोटे छोटे एरियाज़ हैं जहाँ पे अलग अलग चीज़ें फेमस हैं, तो उन एरियाज़ के अनुसार जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे प्रोविंसेस निकल के आएंगे। तो इसी आधार पे जब हम पूरे रेल्म्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बायोटा, तो वो बेसिकली हमारे सामने बायोजोग्राफिकल प्रोविंसेस प्रेजेंट करती हैं। जो क्लासिफिकेशन था भारत का, शुरुआत में हम मानते थे कि भारत में 10 बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस या फिर जोन्स हैं, और ये किया गया था रॉजर्स और पवार द्वारा 1988 में। लेकिन बाद में ये देखा गया कि 10 जो डिविजन्स थे वो सफिशियंट नहीं थे भारत की बायोटिक डाइवर्सिटी को दिखाने के लिए, और इसी वजह से यहाँ पे फर्दर डिविजन हुए और फिर आए भारत के टोटल 25 बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस। यानी कि हमने देखा सबसे बड़े थे रेल्म्स, फिर हमने समझा कि भाई बायोम्स क्या होते हैं, फिर आपने देखा बायोजोग्राफिक जोन्स क्या होते हैं, जो हमने देखा भारत में 10 हैं। तो जो ये 10 जोन्स निकल के आई थी 1988 में रॉजर्स और पवार द्वारा, इनको क्लासिफाई किया गया। फिर सोचा गया भाई ये 10 भी सफिशियंट नहीं है, ज़रूरी है थोड़े और अंदर तक जाना और स्पेसिफिक डिटेल्स को उजागर करना। तो अंदर तक जाने और स्पेसिफिक डिटेल्स को उजागर करने के लिए हमने और छोटा इसका एक क्लासिफिकेशन तैयार किया। उसके तहत हम लोग 25 बायोजोग्राफिक जोन्स कंसिडर करते हैं, और हो सकता है जो एक आपकी बायोजोग्राफिक जोन है वो एक से अधिक बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस को अपने अंदर लिए हुए हो। तो बेसिकली आपका ये हो गया रेल्म, फिर आपका एक तरफ तो आया बायोम, और नहीं तो आप उसके अंदर और सब डिवीजन कर सकते हैं बायोजोग्राफिक जोन्स, और हो सकता है जो बायोजोग्राफिक जोन आपने कंसिडर की हैं इसी के अंदर आपकी बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस भी हों। इसमें अलग अलग फैक्टर्स का इस्तेमाल किया, जैसे आल्टीट्यूड, मॉइस्चर, टोपोग्राफी, रेनफॉल, और जो इन फैक्टर्स में सिमिलर थे उनको एक प्रोविंस में रख दिया गया।
अगर हम बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस की बात करें तो देखिए आपको पता है जोन्स में सबसे पहले ट्रांस हिमालय था, हमने पढ़ा था फर्स्ट वाला। इसी के अंदर यहाँ पे तीन जोन्स, माफ़ कीजिएगा, तीन प्रोविंसेस को कैरेक्टराइज किया गया। सबसे पहली थी हिमालय और लद्दाख माउंटेन्स की, फिर हिमालय तिब्बतीन प्लेट्यू की, और एक है ट्रांस हिमालयन सिक्किम की। तो देखिए एक तो हो गया हिमालय और लद्दाख माउंटेन्स कुछ इस एरिया में, फिर उसके बाद एक हो गया हिमालय और तिब्बतीन प्लेट्यू कुछ इस एरिया में, हालांकि पूरा एरिया नहीं आएगा, इसका थोड़ा सा एरिया यहाँ पे आएगा, और फिर एक हो गया हिमालय मतलब ट्रांस हिमालय जो कि आपके ये वाले एरिया को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और साथ में सिक्किम का कुछ एरिया। तो एक जोन के अंदर मैंने यहाँ पे तीन प्रोविंसेस निकाल दी। फिर ऐसे हिमालय में हिमालय एंड नॉर्थ वेस्ट हिमालय, हिमालय एंड वेस्ट हिमालय, हिमालय सेंट्रल हिमालय और हिमालय का ईस्ट हिमालय। बेसिकली ये चार डिवीजन यहाँ पे आपने निकाले। डेजर्ट का जो आपका बायोजोग्राफिक जोन था उसमें हमने दो दो प्रोविंसेस यहाँ पे निकाले हैं, एक है थार और एक है कच्छ का डेजर्ट। फिर सेमी एरिड एरिया जो हमने चौथा पढ़ा था उसमें हमने एक तो पंजाब प्लेन्स का निकाला और एक गुजरात और राजपुताना का एरिया कंसिडर किया। फिर वेस्टर्न घाट्स में हमने फिर से दो एरिया कंसिडर किए जिसमें एक तो था मालाबार प्लेन्स और दूसरा था वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स। क्योंकि देखिए प्लेन्स में जो अलग अलग तरीके की प्रजातियाँ पाई जाएंगी वो काफ़ी डिफरेंट होंगी एज़ कम्पेयर टू जो प्रजातियाँ पाई जा रही हैं माउंटेन्स में। इसी वजह से ज़रूरी था कि इस एक जोन को दो छोटे छोटे प्रोविंस में बांटा जाए जिससे कि ज़्यादा स्पेसिफिक स्टडी या फिर रिसर्च की जा सके। फिर डेकन जो पेनिनसुला है इसको भी पांच हिस्सों में यहाँ बांटा गया है। गैंजेटिक प्लेन्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। कोस्ट को यहाँ पे तीन हिस्सों में बांटा गया है। नॉर्थ ईस्ट को दो हिस्सों में बांटा गया है और आइलैंड को हमने एक ही हिस्से में बांटा है, यानी कि यहाँ पे अंडमान आइलैंड और एक और में बांटा है हमने। बेसिकली एक तो अंडमान है और एक है आपका निकोबार आइलैंड, क्योंकि ये पूरा अंडमान एंड निकोबार एक पूरा बायोजोग्राफिक जोन हमारे सामने बना के तैयार करता है। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोस्ट के अंदर हमने लक्षद्वीप को कंसिडर किया है, तो आप आइलैंड समझ के उसको आइलैंड वाले बायोजोग्राफिक जोन में नहीं लिखनिया, माफ़ कीजिएगा, आप इसको आइलैंड कंसिडर करके आइलैंड वाले बायोजोग्राफिक जोन में नहीं कंसिडर करिएगा, इसको कोस्ट में ही कंसिडर करिएगा, तभी आप सही तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ पे जो हमारा अब अगला टॉपिक है वो है एनिमल किंगडम के बारे में। देखिए एनिमल किंगडम को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं वर्टिब्रेट्स और एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो सभी ऑर्गेनिज्म है जिनके एक बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, और क्योंकि इनके बैकबोन होती है तो इनका जो इंटरनल स्केलेटन है, अंदर के शरीर का ढांचा है, वो हड्डियों से बना होता है। इनके एक प्रॉपर स्पाइनल कॉलम होता है। जनरली इस तरीके के ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, लेकिन अगर मैं सभी ऑर्गेनिज्म के बीच में इनकी गिनती करूँ तो बहुत छोटा सा परसेंटेज होता है ऐसे ऑर्गेनिज़म्स का, ऐसे एनिमल्स का। लेकिन क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, इसी वजह से ये जनरली अपने एनवायरमेंट को डोमिनेट करते हैं। इसके अंदर कुछ आपके सामने पाँच अलग अलग टाइप्स के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिसमें पहली है फिश, फिर है एम्फीबियन, फिर है रेप्टाइल्स, फिर है बर्ड या फिर एव्स, और पांचवें हैं मैमल्स। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है वो सब के सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, और जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से लिखा है वो आपके वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होंगे। फिर हम देखते हैं तो इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। देखिए इनवर्टिब्रेट्स बेसिकली वो होंगे जो इनके बिल्कुल ऑपोजिट हैं, यानी कि इनकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, तो इसीलिए जो शरीर के अंदर का स्केलेटन है, जो ढांचा है, वो हड्डियों से नहीं बना होता। तो भाई अगर शरीर के अंदर का ढांचा हड्डियों से नहीं बना तो किससे बना है। देखिए या तो इनके शरीर के अंदर का स्केलेटन एक फ्लूइड से भरा होता है, इसीलिए हम इनको हाइड्रोस्टैटिक भी कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल जेलीफिश या फिर कोई वॉर्म, या फिर कुछ और इसमें ऑर्गेनिज्म है जिनके जो अंदर का ढांचा है उसमें फ्लूइड नहीं भरा, तो उनकी जो आउटर शेल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और वो यहाँ पे इनके अंदर के ऑर्गन्स को बचाने में हेल्प करती है। इसमें एग्जाम्पल्स है इंसेक्ट्स का, क्रस्टेशियंस का। ध्यान रखने वाली बात ये है अगर आप टोटल परसेंटेज ऑफ एनिमल स्पीशीज़ देखेंगे तो 98% जो स्पीशी है ऑर्गेनिज्म की वो सबकी सब इनवर्टिब्रेट है, और बची हुई महज 1-2% एनिमल वर्टिब्रेट के अंदर आते हैं। अब इनके अंदर हम कौन कौन से सब ग्रुप्स की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे एनिलिड्स की बात करेंगे, मोलस्किस की बात करेंगे, आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे, यहाँ पे आर्किनिड्स की बात करेंगे, एकिनोडर्म्स की बात करेंगे, और फाइनली हम यहाँ पे प्रोटोजोआ की बात करेंगे।
तो जब भी हम एनिमल किंगडम को पढ़ते हैं, सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है रीढ़ की हड्डी के आधार पे और अंदर के स्केलेटन के आधार पे। अब उसके अंदर हमने सब ग्रुप्स बनाए और अब हम लोग इन सब ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ वर्टिब्रेट्स पे, यानी कि जिनकी रीढ़ की हड्डी है। इनमें हमने बेसिकली पांच सब ग्रुप्स पढ़े थे, जिसमें था फिश, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, एव्स यानी कि बर्ड्स, या फिर मैमल्स। अब देखिए, ये मैंने आपको अपने पहले वाले डायग्राम में बता दिया था कि शुरुआत के जो तीन हैं वो तो तीनों हैं कोल्ड ब्लडेड, और जो बाद के दो हैं ये हैं सब वार्म ब्लडेड। जो जनरली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं दोस्तों, ये बेसिकली अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, यानी कि जब ये लोग सूरज में जाएंगे, जब धूप में जाएंगे, तो एकदम से इनकी बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर लेगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बॉडी इनकी हॉट हो जाएगी। और शाम को जब सूरज ढलेगा और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ठंडा होगा, तब इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी गिर जाएगा। तो यानी कि जब ठंडा हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो गया, जब बाहर गर्मी हुई तो बॉडी का टेम्परेचर भी गर्म हो गया। तो बेसिकली ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो जनरली अपने बॉडी का कोई तापमान मेंटेन करते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं एव्स या फिर बर्ड्स और मैमल्स। अब जो फिश है वो रहती है जनरली पानी में, आपको मालूम है एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहती है। एम्फीबियंस वो हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। रेप्टाइल जनरली ज़मीन पे रहते हैं और इनकी बॉडी में स्केल्स होती हैं। अगर मान लेते हैं हम ये रेप्टाइल है तो इसकी बॉडी में इस तरीके से ऐसे स्केल्स कुछ मौजूद होंगी। बर्ड्स का हमको मालूम है उनके फेदर्स होते हैं, उनके पंख होते हैं यानी विंग्स होते हैं, और मैमल के जनरली या तो हेयर होंगे या फिर फर होंगे। अब क्योंकि एक मछली यानी कि फिश जो है वो पानी के नीचे रहती है, तो उसको सांस लेने के लिए वहाँ पे गिल्स की ज़रूरत होती है, वो लंग्स से सांस नहीं लेती। अब एम्फीबियंस देखिए, ये ज़मीन पे भी रहेंगे और ये पानी में भी रहेंगे, तो पानी में सांस लेने के लिए आपके पास गिल्स होना ज़रूरी है, और ज़मीन पे सांस लेने के लिए आपके पास लंग्स होना ज़रूरी है। तो इनके पास गिल्स भी होते हैं और फेफड़े भी मौजूद होते हैं। रेप्टाइल्स है वो जनरली लैंड पे रहते हैं, इसलिए उनके लंग्स होते हैं। एव्स भी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं और मैमल्स भी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फिर अगर हम लोग इनके यंग वंस की बात करें, तो पहले जो चार क्राइटेरिया हैं, पहले जो चार सब क्लासेस हैं, वो सबके सब अंडे देते हैं, लेकिन मैमल्स सिर्फ अकेले सब ग्रुप्स हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं। अब अगर हाथ पांव की बात करें, तो जनरली जो फिशेस होती हैं उनके तो फिन्स होते हैं और कुछ स्केल्स होते हैं उनके बॉडी पे। अगर हम एम्फीबियंस की बात करें, जैसे कि मेंढक, तो आप देखेंगे उनके वेब्ड फीट होते हैं, कुछ इस तरीके के उनके फीट आपको देखने को मिलेंगे, जिससे वो ज़मीन पे भी रह सकें और वो पानी में भी रह सकें। और आम तौर पे या तो इनके चार लेग्स देखने को मिलेंगे या फिर एक भी इनके कोई लेग नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स की या तो चार पाँव होते हैं या फिर कोई भी पाँव नहीं होते। जैसे कि छिपकली देखी होगी आपने, छिपकली के बेसिकली चार पाँव होते हैं, लेकिन वहीं पर जो स्नेक है उसका एक भी पाँव नहीं होता। फिर उसके बाद बर्ड्स के जनरली दो पाँव देखने को मिलेंगे, मैमल्स के या तो चार पाँव होते हैं या फिर दो पाँव और दो उनके हाथ होते हैं। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल है वर्टिब्रेट्स के अंदर, जिनकी बैकबोन होती है, जिनका जो इंटरनल स्केलेटन है वो बोन से बना होता है, और जिनके एक स्पाइनल कॉलम होता है। इनमें आपको फिशेस जो पहला आपका ग्रुप है देखने को मिलती हैं। देखिए, फिशेस के यहाँ पे गिल्स होते हैं जिसके थ्रू वो सांस लेती हैं, इनके फिन्स होते हैं, इनकी बॉडी पे स्केल्स देखने को मिलते हैं। फिर एम्फीबियंस जो हमने बात की थी, देखिए ये पानी पे भी रह सकते हैं और ये ज़मीन पे भी रह सकते हैं। ये देखिए, इनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद तीसरे यहाँ पे रेप्टाइल्स देखे थे हमने, रेप्टाइल्स लैंड पे रहते हैं, और यहाँ पे देखिए इसका एक भी पाँव नहीं है, यहाँ पे सांप बना हुआ है, लेकिन आप वहीं पे अगर क्रोकोडाइल लेंगे या फिर लिजर्ड लेंगे तो उसके चार पाँव होते हैं। फिर चौथी सब क्लास होगी बर्ड्स की या फिर एव्स की, ये होते हैं वार्म ब्लडेड। ये देखिए, इनके फेदर्स हैं, इनके विंग्स हैं, और ये भी एग्स ही ले करते हैं। और पाँचवीं सब क्लास है आपकी मैमल्स की, ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं, और बाकी सबसे अलग ये ऐसे हैं कि ये यंग वंस को जन्म देते हैं, ये एग्स ले नहीं करते। तो ये हुए आपके वर्टिब्रेट्स। अब हम चलते हैं इनवर्टिब्रेट्स पे। इनवर्टिब्रेट्स में हम सबसे पहले देखेंगे एनलिट्स को। देखिए यहाँ पे ये फिगर हम लोगों ने बनाया है, ये जो इमेज आपके लिए हमने लगाई है ये है एनलिट की। जो इनकी बॉडीज होती है जनरली वो इस तरीके से छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूटी हुई होती है। तो ऐसे आपने कौन से ऑर्गेनिज्म देखे हैं? ऐसे आपने अर्थवॉर्म्स देखे हैं। इनके इंटरनल ऑर्गन्स हालांकि वेल डेवलप्ड होते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ये पूरे विश्व भर में पाए जाते हैं और इनके कोई अलग से लिम्ब्स नहीं होते।
एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हमें अर्थ वॉर्म देखने को मिलेंगे, लीचेस देखने को मिलेंगे या फिर राउंड वॉर्म्स देखने को मिलेंगे। फिर हम देखते हैं दूसरी सब क्लास मॉलस्कस की। इनके जो अंदर की स्किन होती है वो तो सॉफ्ट होती है और जो ऑर्गन्स हैं वो बेसिकली कवर्ड होते हैं हार्ड आउटसाइड शेल से। अब ये क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरनल स्केलेटन नहीं है जो ऑर्गन्स की रक्षा कर सके। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ऊपर ये हड्डियाँ होती हैं, ऐसे स्केलेटन है और इसके अंदर यहाँ पे ऑर्गन होता है। तो क्या होता है अगर कभी चोट लगती है तो पहले ये स्केलेटन डैमेज होगा, फिर उसके बाद आपके ऑर्गन्स पे कोई डैमेज पहुँचेगा। तो इस केस में कोई स्केलेटन तो है नहीं, तो इनके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास एक आउटसाइड शेल होती है जो बहुत हार्ड होती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये स्नेल जो हमने बनाया है, ये देखिए यहाँ पे ये जो बॉडी है इसकी, ये जो स्किन है बेसिकली ये बहुत सॉफ्ट है और ये जो ऊपर की भारी शेल है ये बहुत हार्ड है और ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। अब कुछ मॉलस्कस तो लैंड पे रहते हैं और कुछ मॉलस्कस वाटर में रहते हैं। लैंड पे रहने वाले एग्जाम्पल हैं स्नेल या फिर स्लग, और कुछ मॉलस्कस जो वाटर में रहते हैं जैसे कि ऑयस्टर, मसल, क्लैम, स्क्विड या फिर ऑक्टोपस। फिर हम देखते हैं एकिनोडर्म्स। एकिनोडर्म्स जनरली मरीन एनिमल्स हैं, ये आपको मरीन इकोसिस्टम में मिलेंगे। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बॉडी के बीच में से आर्म्स इस तरीके से निकल रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ये है आपकी स्टारफिश, इसमें ये बीच में बॉडी के ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये आर्म्स निकल रहे हैं। इसके एग्जाम्पल सी स्टार है, सी अर्चिन्स हैं, सैंड डॉलर्स हैं, सी क्यूकम्बर है। फिर देखते हैं हम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सिंपल हैं, सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं और ये जितने भी एनिमल हैं उनमें सबसे छोटे हैं। तो सबसे छोटे हैं तो जनरली ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। लेकिन इन सब बातों के बाद भी अगर हम बात करें इनकी ब्रीदिंग पैटर्न की, इनके मूवमेंट की, इनके रिप्रोडक्शन की, तो वो सब चीज़ें मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म की तरह ही होती हैं। इनके एग्जाम्पल है अमीबा या फिर फ्लेगलेट्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो है सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं लेकिन फिर भी इनकी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की तरह ही होती हैं। फिर हम देखते हैं अगले आर्थ्रोपॉड्स। आर्थ्रोपॉड के बेसिकली लिम्स जॉइंट्स के साथ जुड़े होते हैं जिससे वो इस तरीके से आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। इनका एक बाहरी एग्जोस्केलेटन भी होता है और हार्ड जो एक्सटर्नल स्केलेटन है वो शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे इनके आप क्रस्टेशियन ले सकते हैं, इंसेक्ट्स को मान सकते हैं या फिर आर्कनिड्स मान सकते हैं। अगर हम आर्कनिड्स ग्रुप में जाएंगे तो बेसिकली ये ग्रुप है मकड़ियों वाला, स्कॉर्पियंस वाला, टिक्स वाला, माइट्स वाला। जैसे इंसेक्ट में ऐसे एंटीना होता है, यहाँ पे एंटीना आपको नहीं मिलेगा। जनरली आर्किनेट्स में ऐसे दो तो बॉडी पार्ट्स होते हैं और आपको 8 यहाँ पे टांगे देखने को मिलेंगी इस तरीके से। तो ये हो गए आर्किनेट्स जिसमें दो तो बॉडी पार्ट्स हैं और यहाँ पे 4 पेयर ऑफ लेग्स हैं। ये इमेज में आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के आर्किनेट्स को। फिर चलते हैं हम क्रस्टेशियंस पे। क्रस्टेशियंस का एग्जाम्पल है केकड़ा। केकड़ा आपने देखा है जनरली ये नदी ओशियन में रहता है या फिर कई बार ये और भी दूसरे एक्वेटिक वाटर्स में रह सकते हैं। इनके शरीर के बाहर एक हार्ड एग्जोस्केलेटन होता है जिससे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। इनके एग्जाम्पल है क्रैब यानी केकड़ा, लॉबस्टर, बारनिकल। फिर अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की तो इंसेक्ट की बॉडी पे एक एग्जोस्केलेटन होता है जो उनकी पूरी बॉडी को इस तरीके से कवर किए रहता है। इंसेक्ट की बॉडी जो है वो 3 हिस्सों में बटी होती है, देखिए 1, 2 और 3, ये 3 हिस्सों में बटी है और इंसेक्ट के जनरली 6 यहाँ पे लेग्स होते हैं। अब आप ध्यान रखिए आर्किनिड्स और इंसेक्ट्स में क्या फ़र्क है। आर्किनिड्स की जो बॉडी है वो 2 हिस्सों में बटी है, इंसेक्ट्स की बॉडी 3 हिस्सों में बटी है और आर्किनिड्स के पास 8 पाँव हैं लेकिन इंसेक्ट्स के पास यहाँ पे 6 ही पाँव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बीटल, बटरफ्लाई, मॉथ, ड्रैगन फ्लाई, बी, वॉस्प या फिर प्रेइंग मैंटिस। अब हम लोग चलते हैं प्लांट किंगडम की तरफ। प्लांट्स को बेसिकली हम दो एरिया में, दो सब डिविजन्स में क्लासिफाई करते हैं। पहले वो प्लांट जिनकी बहुत डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है उनको आप कहते हैं थैलोफाइटा, और दूसरे वो जिनकी डिफरेंशिएटेड बॉडी है। अब डिफरेंशिएटेड बॉडी के अंदर भी दो हिस्से हैं, एक तो जिनका स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू का बंडल है और एक जो जिनका स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू बंडल नहीं है। जिनका तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू बंडल नहीं है उनको तो हम कहते हैं ब्रायोफाइटा, और फिर जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू बंडल है उनको फिर हम आगे दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते और दूसरे जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं उनको आप बोलते हैं टेरिडोफाइटा, और फिर जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं फेनेरोगैम्स।
अब उनमें भी दो कैटेगरीज आपस में हैं, एक तो जो सीड को नेकेड प्रोड्यूस करते हैं और एक जिसमें सीड जो है वो फ्रूट के अंदर छुपा होता है। जो नेकेड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं अब जिम्नोस्पर्म। अब याद करने के हिसाब से देखिए, इसमें आ रहा है जिम्नो यानी कि नहीं, तो इसीलिए जो ये पर्टिकुलर ग्रुप है उसमें फ्रूट के अंदर सीड नहीं होता, सीड नेकेड होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि फ्रूट के अंदर ऐसे सीड कहाँ छुपा होता है, तो वो होता है एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स के अंदर फिर से दो क्राइटेरियाज हैं, एक तो जहाँ पे दो इस तरीके के सीड्स होंगे तो उसको हम बोलते हैं डाइकॉट्स यानी कि दो सीड्स की मौजूदगी, और यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ एक ही सीड होगा उसको आप बोलेंगे मोनोकॉट। तो ये है मोटा मोटा बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। अब हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। शुरू करते हैं हम एल्गी से। देखिए बेसिकली जो एल्गी होती है वो ग्रीन और नॉन डिफरेंशिएटेड प्लांट में कैटेगराइज होती है। नॉन डिफरेंशिएटेड प्लांट्स का ये मतलब है कि इसमें अलग से प्लांट की रूट, स्टेम, लीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये इस तरीके से एक लेयर में पौधा होगा और कोई डिफरेंशिएशन नहीं होंगे। ये ग्रीन है तो बेसिकली ये उनका एक टाइप है। ऐसे ही ब्लू ग्रीन कलर के भी होते हैं, और अगर हम मरीन एल्गी को देखेंगे तो वो हमको या तो रेड मिलेगी या फिर ब्राउन कलर की मिलेगी। मरीन एल्गी जो है रेड और ब्राउन, उसमें एक और खास बात है कि वो डीप वाटर एल्गी के तौर पे भी प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन जो ग्रीन या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी है वो जनरली ऊपरी सतह पे ही प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि उसको सनलाइट की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कैरी आउट करने के लिए। एल्गी जो है वो क्लोरोफिल पोजेस करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ज़रूर याद रखें। ये हमने बता ही दिया आपको, एक तो फ्रेश वाटर होती है जो ग्रीन या फिर ब्लू ग्रीन कलर की होगी, एक होती है मरीन जो रेड या ब्राउन कलर की होगी। जनरली क्योंकि ये क्लोरोफिल पोजेस करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, तो ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट होते हैं, खुद का खाना बनाते हैं ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये वाली तो है हमारी ग्रीन या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये है आपकी रेड या ब्राउन एल्गी जो कि यहाँ पर डीप वाटर में मौजूद है। फिर अगला देखते हैं हम फंगस। ये नॉन ग्रीन प्लांट है और साथ में नॉन डिफरेंशिएटेड भी है। नॉन डिफरेंशिएटेड का मतलब हम समझते हैं कि इसके शरीर में अलग अलग डिफरेंशिएशन नहीं है। आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि भाई ये तो तना है, फिर उसके बाद ये कैनोपी है, ये इसकी लीव्स हैं, ये सब नहीं, इसमें कोई डिफरेंशिएशन होता ही नहीं। और नॉन ग्रीन है तो नॉन ग्रीन से मतलब क्या है कि इसमें क्लोरोफिल की बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं है। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं है तो फिर ये फोटोसिंथेसिस नहीं कैरी आउट करेगा और ये ऑटोट्रॉफिक भी नहीं होगा। एग्जाम्पल हैं इसके मोल्ड्स या फिर मशरूम। याद रखिएगा मशरूम जो है वो एक टाइप ऑफ फंगस ही है, और ये जो है ये दोनों सैप्रोफाइटिक फंगस हैं। फंगस की जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी है आपको वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगी, फिर मिलेगी ईस्टर्न हिमालयाज में, और तीसरे में वेस्टर्न हिमालयाज में। यानी कि अगर हम इस चीज़ को मैप पे देखेंगे तो देखिए, तो फर्स्ट जो आपको सबसे ज़्यादा फंगस मिलेगी वो मिलेगी वेस्टर्न घाट्स पे, सेकंड हमको मिलेगी ईस्टर्न हिमालयाज पे, और थर्ड हमको मिलेगी वेस्टर्न हिमालयाज पे। फिर हम देखते हैं बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया भी हम लोग यहाँ पे प्लांट के अंदर ही क्लासिफाई कर रहे हैं। बेसिकली ये नॉन क्लोरोफिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि अगर हम आगे लिंक बनाएं तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा ये, और ये ऑटोट्रॉफ नहीं होगा, ये खुद का खाना नहीं बनाएगा और दूसरे को कंज्यूम करके अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा। ये जनरली सैप्रोफाइटिक या फिर पैरासाइटिक एग्जिस्टेंस में रहते हैं। काफ़ी सारे बैक्टीरिया पैथोजेनिक भी होते हैं जो शरीर में जाने के बाद अलग अलग तरीके की बीमारियां कॉज करते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। कुछ सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो हैं वो सॉइल के लिए बेनिफिशियल हैं। जब किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस हो तो बैक्टीरिया उस पर आके अफेक्ट करता है और उसको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और ये बाद में न्यूट्रिएंट्स प्लांट इस तरीके से टेकअप कर सकता है और अपनी ग्रोथ के दौरान इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए बैक्टीरिया की प्रेजेंस होना इम्पॉर्टेंट है। और वहीं पे कुछ प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज भी होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे होते हैं और आजकल काफ़ी ड्रिंक्स में मौजूद भी होते हैं, जिनको कंज्यूम करने से ह्यूमंस में इम्यूनिटी का बढ़िया तरीके से विकास होता है। फिर हम चलते हैं लाइकेंस पे। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइकेंस जो हैं वो यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमको दर्शाते हैं। सिम्बायोटिक मतलब ये किसी के साथ कोई चीज़ रिलेशनशिप में रह रही है। ये जो चीज़ है जो कि ए है और ये बी है, ए बी को किसी तरीके का फ़ायदा दे रही है और बी जो है वो ए को किसी तरीके का फ़ायदा दे रही है, यानी कि इसमें म्यूचुअल बेनिफिट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो लाइकेन कोई अकेला ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है एल्गी का और फंगस का।
दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल बेनिफिट्स यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। एल्गी क्योंकि प्लांट है तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करता है और खुद के लिए खाना बनाता है। यही खाना फाइनली फंगस कंज्यूम करता है। और जो फंगस है ये जनरली क्या करता है, ये पानी को अपने अंदर रिटेन करके रखता है। तो पानी को इसने रिटेन करा है तो ये पानी जो है ये एल्गी यूज़ कर पाता है। तो जो एल्गी है वो दे रही है इसको फूड और फंगस दे रहा है इसको पानी। तो इस तरीके से ये लोग दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हैं। तो लाइकन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। फिर हम चलते हैं ब्रायोफाइट्स पे। ब्रायोफाइट्स में बेसिकली प्लांट की बॉडी जो है डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाती है, लेकिन अभी भी जो है डिफरेंशिएशन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता और छोटी स्टेम, छोटी छोटी लीव्स और उसकी रूट्स यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। तो जो डिफरेंशिएशन आया है ये बहुत बेसिक लेवल पे आया है। जनरली ये किसी मॉइस्ट जगह पे आपको मिलेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मॉसेस या फिर लिवरवॉर्ट्स। ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है ग्रीन प्लांट्स का जो भारत में पाए जाते हैं, और ज़्यादातर ये या तो ईस्टर्न हिमालयाज या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया या वेस्टर्न हिमालयाज या फिर वेस्टर्न घाट पे पाए जाएंगे। और सबसे ज़्यादा इस ग्रुप के अंदर हमको मॉसेस देखने को मिलेंगे, फिर दूसरे नंबर पे लिवरवॉर्ट्स देखने को मिलेंगे, और उसके बाद हमको बॉर्नवॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। फिर हम देखते हैं टेरिडोफाइट्स को। यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है ये अच्छे से डिफरेंशिएट हो चुकी होती है। यहाँ पे अलग से आपको रूट्स देखने को मिलेंगी, स्टेम्स देखने को मिलेंगी और अलग से पत्तियाँ देखने को मिलेंगी, और साथ साथ इनके अंदर वैस्कुलर बंडल्स भी मौजूद होते हैं। इनमें ज़्यादातर हमको टेरेस्ट्रियल देखने को मिलते हैं जो कि मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पे अच्छे से फ्लरिश करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमको यहाँ पे कुछ एक्वेटिक भी टेरिडोफाइट्स देखने को मिल जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि फर्न्स, उसके अलावा हॉर्सटेल। ये कुछ पौधे हैं जिनको टेरिडोफाइट्स में हम कंसिडर करते हैं। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें भारत में, तो सबसे ज़्यादा टेरिडोफाइट्स की पॉपुलेशन हमको देखने को मिलेगी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। फिर उसके बाद हमको सदर्न इंडिया में देखने को मिलेगी, जिसमें हमारे वेस्टर्न घाट्स आएंगे, ईस्टर्न घाट्स आएंगे, और फिर उसके बाद हमको हमारे नदर्न इंडिया में देखने को मिलेंगी, जिसमें जनरली वेस्टर्न हिमालयाज आएंगे। तो ये है इनका डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम अगले कैटेगरी पे चलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स बेसिकली वो पौधे होते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन क्योंकि नो है तो यहाँ पे सीड फ्रूट के अंदर नहीं होता, सीड नेकेड होता है, वो बेयर होता है। अगर हम इस वर्ड को तोड़ेंगे जिम्नो और स्पर्म को, तो फिर जिम्नो मतलब तो होता है नेकेड और स्पर्म मतलब होता है सीड। तो यानी कि नेकेड सीड जहाँ पे आपको मिलेगा वो होंगे जिम्नोस्पर्म्स। यहाँ पे आपको कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्लांट में अलग से देखने को नहीं मिलेंगे, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा जैसे कोई पार्ट्स नहीं होंगे। यहाँ पे नेचुरली कोई फ्रूट भी देखने को नहीं मिलता। इनमें बहुत ही सिंपल फ्लावर्स होते हैं, और उन फ्लावर्स में ना ही स्टेमेंस होते हैं ना ही कार्पल्स होते हैं, और अगर आपको थोड़े बहुत देखने को मिले तो वो सेपरेटली कोन्स के अंदर रखे हुए होते हैं। इनका एग्जाम्पल है पाइन, जो कि लार्जेस्ट इन द ग्रुप है। नॉर्थ ईस्ट में हमको जेनेटम और साइकस जैसे जिम्नोस्पर्म देखने को मिलते हैं। उसके अलावा वो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। जो एंजियोस्पर्म है बेसिकली यहाँ पे जो सीड है वो फ्रूट के अंदर छुपा हुआ रहता है। इसमें भी कई जगह सिर्फ एक सीड होगा, कई जगह ऐसे दो सीड आपको मिलेंगे, तो वो होता है मोनोकॉट, और जहाँ पे आपको दो सीड्स देखने को मिले वहाँ पे आप कहेंगे इसको डाइकॉट। ये जनरली हाईली डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं जिसमें अलग से बड़ा अच्छे से डिफरेंशिएटेड होती है बॉडी, और साथ में बहुत सुंदर सुंदर इसमें फूल आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी आपको अलग से देखने को मिलेंगे, जैसे कि ओवरी, स्टाइल या फिर स्टिग्मा। अब जनरली अगर हम इसके फर्टिलाइजेशन फेज पे गौर करें, तो जो ओवरी है वो तो फ्रूट बन जाती है, और उसके अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो जनरली सीड्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपको जो सीड्स मिलेंगे वो हमेशा फ्रूट के अंदर ही मिलेंगे। तो ये था प्लांट किंगडम, जो हमने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत बेसिक तरीके से कवर किया। हमारे एग्ज़ाम में जनरली इन टॉपिक से बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो हमने इसके सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझा और सभी बेसिक्स के साथ जोड़ के उनको कवर कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी। इंडिया में एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, हम सबको ये मालूम है। एग्रीकल्चर एक अकेला ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा तादाद में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, और एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारे अनाज ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया काफ़ी अच्छी रैंक होल्ड करता है।
पूरे देश में हमारे अलग अलग तरीके की बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं और इसीलिए हमारे देश की क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। एक नेशनल जीन बैंक जो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स दिल्ली में स्थित है, वो प्राइमरी रोल प्ले करता है कंजर्वेशन में, लॉन्ग टर्म बेसिस पे अलग अलग तरीके के सीड्स को। फिर एक है यहाँ पे फ्लोरल एंडेमिज्म ऑर्डर, मतलब किस ऑर्डर में एंडेमिक वेजिटेशन इंडिया में मिलता है। सबसे ज़्यादा एंडेमिक वेजिटेशन जो है वो आपको पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलेगा, जहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स मेजॉरिटी ऑफ एंडेमिक पॉपुलेशन कंप्राइज करते हैं। यहाँ पे करीब 2600 स्पीशीज़ हमको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद अगर सेकंड हम लोग जाएँ तो हमारा आता है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे करीब 2500 एंडेमिक स्पीशीज़ हमको देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़, जहाँ पे करीब 800 स्पीशीज़ आपको देखने को मिलती हैं। और लास्ट में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जहाँ पे करीब 250 स्पीशीज़ हमको देखने को मिलती हैं। फिर हम हमारे देश में लाइफ स्टॉक की जेनेटिक डाइवर्सिटी पे बात करते हैं। हम भारत की जब रैंक पे या फिर उसकी स्टैंडिंग में पूरे विश्व में बात करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि भाई भारत में बहुत ज़बरदस्त लाइफ स्टॉक की डाइवर्सिटी है। इंडिया फर्स्ट रैंक होल्ड करती है लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन में, मिल्क प्रोडक्शन में, कैटल की पॉपुलेशन में, भैंसों की पॉपुलेशन में, कैराबीफ की प्रोडक्शन में, गोट के मिल्क प्रोडक्शन में और टोटल बोवाइन प्रोडक्शन में। अगर सेकेंड रैंक की बात करें तो गोट की पॉपुलेशन में, पिग इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है एक ब्रिसल, उसके प्रोडक्शन में और फिश प्रोडक्शन में। फिर थर्ड रैंक हम लोग शीप प्रोडक्शन में और एग प्रोडक्शन में होल्ड करते हैं। फोर्थ रैंक चिकन के प्रोडक्शन में हम लोग होल्ड करते हैं। फिफ्थ हम लोग बात करें तो पोल्ट्री और मीट के प्रोडक्शन में या फिर अकेले पोल्ट्री प्रोडक्शन में। एट्थ रैंक हम देखें तो डक के प्रोडक्शन में और नाइन्थ में हम लोग कैमल की पॉपुलेशन में और वूल के प्रोडक्शन में। तो आप देख रहे हैं लाइफ स्टॉक में इंडिया कितना आगे है और विश्व भर में टॉप 10 में इंडिया के कितने सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे इंडिया ट्रिमेंडसली परफॉर्म कर रहा है। फिर उसके अलावा हम बात करते हैं भारत में किस किस तरीके की वाइल्ड लाइफ हमको देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहला हम लोग हिमालयन इकोसिस्टम ले रहे हैं। हिमालयन इकोसिस्टम में जो फर्स्ट है वो है हिमालय की फुट हिल्स। तो फुट हिल्स पे हमको एवरग्रीन या फिर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। कुछ डोमिनेंट स्पीशीज़ हैं जैसे कि साल, जैसे कि सिल्क कॉटन ग्रास, जाइंट बैम्बूज, टॉल ग्रासी मीडोज, और तराई में आपको सवानास देखने को मिलेंगे। देखिए, इस वाले टॉपिक में बहुत सारे पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारों के नाम आएंगे, तो आपको सारे नाम याद नहीं करने जिन पे हम यहाँ पे गोला मार रहे हैं। आप एटलीस्ट वो तो ज़रूर याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर पौधा या फिर प्लांट या फिर ये पर्टिकुलर जानवर किस जगह पे मिलेगा। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हिमालय के फुटहिल्स के बारे में, यानी कि इस एरिया में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हम अगर फौना की बात करें तो देखिए, यहाँ पे बड़े बड़े मैमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एलिफेंट, सांभर, स्वैम्प डियर, चीतल, हॉग डियर, बार्किंग डियर, ब्लैक बियर, हाइनाज, डॉग्स, यहाँ पे स्लॉथ बियर, पॉर्क्यूपाइन, ग्रेट इंडियन वन हॉर्न डाइनोसोरस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, वाइल्ड बफलो, गैंजेटिक घड़ियाल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं और गोल्डन लंगूर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये गोले वाले आप ज़रूर याद रखें। फिर हम लोग बात कर रहे हैं वेस्टर्न हिमालयाज़ की, जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो भाई, वेस्टर्न हिमालय के हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में क्या क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे जनरली एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, रोडोडेंड्रॉन्स देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पे ड्वार्फ फिल बैम्बूज देखने को मिलते हैं, बर्च के फॉरेस्ट मिक्स्ड विद अल्पाइन पास्चर्स देखने को मिलते हैं। देखिए, वैसे भी अगर आप किसी भी पहाड़ की चोटी पे जाएंगे तो बहुत अधिक संभावना होती है कि वहाँ पे आपको एल्पाइन काइंड ऑफ इकोसिस्टम देखने को मिले, एल्पाइन जैसी वेजिटेशन भी देखने को मिले। फिर यहाँ पे हम लोग जब फौना पे बात करते हैं तो यहाँ पे वाइल्ड एस देखने को मिलता है, वाइल्ड गोट्स देखने को मिलती है। तीन यहाँ पे प्रजाति लिखी है, थार, मार्खोर और आइबेक्स। तो ये नाम आप ज़रूर याद रखें। आपको कई शीप्स की प्रजाति देखने को मिलती है, जैसे कि नयन, मार्कोपोलो शीप, भरल और ब्लू शीप, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे एंटीलोप्स की आपको कुछ यहाँ पे प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि चीरू या फिर तिब्बतन गैजल, ये आपके लिए याद रखने का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डियर्स की यहाँ पे कुछ प्रजाति देखने को मिलती हैं, जैसे कि हंगुल और कश्मीरी स्टैग, हंगुल का ही दूसरा नाम है कश्मीरी स्टैग। यहाँ पे शो देखने को मिलता है जो कि सिक्किम स्टैग नाम से मशहूर है, मस्क डियर देखने को मिलता है। इसके अलावा मैरमॉट्स, पीकाज, माउस और हेयर्स, गोल्डन ईगल आपको देखने को मिलते हैं,
स्नो कॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, स्नो पैट्रिजेस, स्नो लेपर्ड, वुल्फ, फॉक्स, कैट्स, ब्लैक ब्राउन बेयर्स, बर्ड्स जैसे कि हिमालयन मोनल पेजेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके अलावा और भी आपको कई सारे बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें से इंपॉर्टेंट है आपके लिए ग्रिफिन वल्चर्स को याद रखना। फिर हम लोग चलते हैं ईस्टर्न साइड पे जो हिमालयाज हैं, यहाँ पे जो फ्लोरा मिलेंगी उसमें आपको ओक्स देखने को मिलेंगे, लॉरल्स और बर्चेस देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट काफ़ी हद तक हमको देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखें। जूनिपर्स देखने को मिलते हैं हमको, और रोडोडेंड्रॉन्स भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एफिफाइट्स जो है वो डोमिनेट करते हैं, ये भी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फौना की बात करें तो रेड पांडा देखने को मिलेगा आपको, और गोट एंटिलोप्स देखने को मिलेंगे, जिनकी यहाँ पे तीन प्रजातियाँ हमने लिख रखी हैं जो आपको याद करनी है। फिर दूसरी बात करते हैं हम लोग पेनिनसुलर इंडिया की, यानी कि ये वाला भाग इंडिया का। यहाँ पे ज़्यादातर जो फॉरेस्ट है वो या तो मॉइस्ट डेसिडियस है या फिर ड्राई डेसिडियस है। इस एरिया में कुछ जगह पे जहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती है वहाँ पे हमको स्क्रब वेजिटेशन भी देखने को मिलता है। फ्लोराज में बात करें तो पेड़ पौधों में यहाँ पे साल देखने को मिलेगा नॉर्थ में, और अगर हम साउथ में जाएंगे तो हमको टीक देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर इस एरिया में आप जाएंगे तो टीक यहाँ पे डोमिनेट करेगा, और ऊपर वाले एरियाज में जाएंगे तो साल डोमिनेट करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। अब इसी में जो ये वाले वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पे आपको एवरग्रीन वेजिटेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे हमको, जो कि सिमिलर होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के एवरग्रीन फॉरेस्ट से। उसके अलावा इसी एरिया में हमको शोला फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है, जो भी है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पर्स्पेक्टिव से। फिर अगर हम लोग ड्राई एरियाज़ की बात करें राजस्थान और अरावली हिल्स के आसपास, तो वहाँ पर आपको थॉर्नी स्क्रब स्पीशीज़ ज़्यादा दिखेंगी। थॉर्नी इसीलिए क्योंकि अगर जितनी बड़ी लीव्स होंगी उतनी लीव से ट्रांसपिरेशन होने का ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होना यानी कि पानी का यहाँ पे लॉस होना, तो क्योंकि इस एरिया में ऑलरेडी पानी की बहुत किल्लत है, इसीलिए ये जो यहाँ पे वेजिटेशन है, फ्लोरा है, फौना है, वो अपने आप को इस तरीके से ढाल लेता है कि कम पानी में भी उसका काम चल जाए। इसीलिए यहाँ पे जो पत्तों की लीव्स होती हैं वो थॉर्नी होती हैं, वो कांटोदार होती हैं, जिससे ज़्यादा यहाँ से पानी उड़ ना सके। सवाना हैबिटेट आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक देखने को मिल सकती है। फौना में एलिफेंट देखने को मिलेंगे, वाइल्ड होर, यहाँ पे डियर देखने को मिलेंगे, एक्सिस डियर, चीतल, स्वैम डियर या फिर बारासिंगा देखने को मिल सकता है, मुंज टैक या फिर बार्किंग डियर देखने को मिल सकता है। एंटीलोप की आपको यहाँ पे काफ़ी प्रजातियाँ देखने को मिलेगी, जैसे कि नील गाय, ब्लैक बक, चिंकारा और फोर हॉर्न्ड एंटीलोप। वाइल्ड डॉग जिसको हम यहाँ पे ढोले भी बोलते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, टाइगर, लेपर्ड, चीता, लायन, वाइल्ड पिग, मंकी, स्ट्राइप, ढाइना, जैकल और गौर देखने को मिलेंगे। तो गोले वाले आपको ज़रूर ज़रूर याद रखने हैं। फिर हम सेपरेटली यहाँ पे डेजर्ट्स को जब स्टडी करते हैं तो इसमें हमको थॉर्नी ट्रीज देखने को मिलते हैं, हमने आपको बता दिया। उसमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं क्योंकि उनको ट्रांसपिरेशन से पानी का लॉस नहीं कराना। उसके अलावा इस एरिया में बहुत हद तक कैक्टस देखने को मिलते हैं और बहुत सारे सकलेंट प्लांट्स देखने को मिलते हैं। जो एनिमल्स होंगे वो ज़्यादातर ऐसे होंगे जो गड्ढा बना के ज़मीन के नीचे रहते हैं, यानी कि बरोइंग एनिमल्स होंगे। यहाँ पे रोडेंट्स देखने को मिलेंगे जो लार्ज ग्रुप में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि रैट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे वाइल्डेस्ट ब्लैक बक, डेजर्ट की कैट, कैरकल, रेड फॉक्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे रेप्टाइल्स देखने को मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि स्नेक्स या फिर लिजर्ड्स या फिर टॉर्टोइज। अब डेजर्ट लिजर हैं, जो लिजर्ड हैं उनकी बेसिकली ये कुछ प्रजातियाँ हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। और अगर बर्ड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलती है, जो कि राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है। तो ये था पूरा डेजर्ट के बारे में। अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन के बारे में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बेसिकली हमको वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो फ्लोरा होगी, जो मौजूद पेड़ पौधे हैं वहाँ पे, उसमें आपको ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलेंगे, बीच बीच में उसके बहुत डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज भी मिलेंगे, एवरग्रीन वेजिटेशन मिलेगा आपको, जिसको हम यहाँ पे शोलास कहते हैं, जो कि नीलगिरी में हमको देखने को मिलता है। तो ये शोला यहाँ पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर लिए हुए है, और ये जनरली हमको नीलगिरीज में देखने को मिलता है। इस एरिया में जनरली इबोनी ट्रीज प्रीडोमिनेट करते हैं और बहुत अलग अलग तरीके के ऑर्चिड्स भी हमको पाए जाते हैं। रेन फॉरेस्ट में जनरली हमको स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे तो सबसे ऊंचे पेड़ होंगे, फिर उसके आगे थोड़े छोटे पेड़ होंगे, उसके आगे और छोटे पेड़ होंगे, इस तरीके का स्ट्रैटिफिकेशन आपको रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। और यहाँ पे थ्री हॉरिजॉन्टल लेयर हमको देखने को मिलेंगी।
फौना में जो ज़्यादातर हैं वो ट्री ड्वेलर्स हैं, यानी कि पेड़ों पे रहने वाले, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हुलॉक गिबन, जो एक अकेला एप है जो भारत में पाया जाता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा गोल्डन लंगूर देखने को मिलेगा, कैप्ड लंगूर देखने को मिलेगा, या फिर लीफ मंकी। यहाँ पे आपको मकेक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि असम मकेक, या फिर पिक टेल्ड मकेक, लायन टेल्ड मकेक, ये आपको यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमको नीलगिरी लंगूर्स देखने को मिलेंगे, फ्लाइंग स्क्विरल्स देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ ट्री डवेलिंग एनिमल्स हैं जो हमको यहाँ पे याद रखने हैं, नीलगिरीज में और वेस्टर्न घाट्स में हमको देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। ये बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का घर है, यहाँ पे आपको काफ़ी मात्रा में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मरीन मैमल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि डगोंग और डॉल्फिन्स। यहाँ पे जो बर्ड्स मिलती हैं उसमें याद रखने वाला नाम है हॉर्नबिल, जो कि नारकोंडम हॉर्नबिल के नाम से जानी जाती है। निकोबार पिजन आपको याद रखना है और मेगापोड आपको याद रखना है। और भी यहाँ पे कुछ बर्ड्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि वाइट बेलीड सी ईगल, वाइट ब्रेस्टेड फिफलेट, सेवरल फ्रूट पिजन्स, लेकिन वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गोले वाले आपको ज़रूर याद रखने हैं। जो अंडमान एंड निकोबार में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें कुछ डोमिनेंट वंस आपके सामने यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। एक है जायंट डिप्टेरोकार्पस, दूसरा है टर्मिनेलिया और तीसरा है लैंगर स्ट्रोएमिया। ये नाम आपको साथ में गोले वालों के याद रखने हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई स्पीसी दे दी हो और आपको बताया गया हो कि ये कौन से एरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपको कुछ ऐसी स्पीशीज जो उस पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं उनका नाम तो ज़रूर याद रखना है। इसके अलावा हम एक और क्लासिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि है मैंग्रोव्स। मैंग्रोव भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हैबिटेट है, तो उसको भी एक अलग क्लासिफिकेशन के तौर पे पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। जनरली हमको मैंग्रोव का नाम लेते ही याद आता है सुंदरबन डेल्टा, जिसका नाम पड़ा है सुंदरी ट्रीज़ के नाम पे, जो कि वहाँ पे ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। यहाँ पे हमको कुछ ट्रीज़ की स्पीशी मिलेंगी डोमिनेट करते हुए, जैसे कि यहाँ पे सोनेराटिया या फिर एवेसिनिया। जनरली ये दोनों स्पीशीज़ हमको लोअर टाइडल जोन पर देखने को मिलती हैं। जब इस जोन के हम लोग ऊपर जाते हैं तो हमको कुछ और अलग अलग तरीके की स्पीशी देखने को मिलती है, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है राइजोफोरा स्पीशीज़ और साथ में ब्रुग्यूरिया स्पीशीज़। ये करीब 70% ऑफ द मैंग्रोव्स को कवर करती हैं। इस वाली स्पीशी के ऊपर की लेवल देखेंगे तो हमको कुछ सपोर्टिंग फॉरेस्ट मिलेंगे फीनिक्स के, और अगर मैं हाइएस्ट पोर्शन पर जाऊँगा तो यहाँ पर मेरे को हेरिटेरिया फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ नाम है मैंग्रोव के साथ एसोसिएटेड, ये नाम आप ज़रूर ध्यान रखें। और इन हेरिटेरिया फॉरेस्ट में हमको अंडरग्रोथ भी देखने को मिलती है नीपा प्लांट्स की और साथ में फीनिक्स की। तो ये है कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू मैंग्रोव्स इन इंडिया। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम यहीं तक का डिस्कशन रखेंगे और अपने आने वाले वीडियोस में इसके आगे के चैप्टर्स को कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इन वीडियोस से आपको काफ़ी हेल्प हो रही होगी। आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।